कॉटन कलेक्ट करने के लिए किसी को आना हो यहाँ पर पूरे दिन, तो आपको 150 रुपया देंगे। आना खाना आपको घर से लेकर आना पड़ेगा, वो हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर वो प्रथा बंद है। तो ये है हमारी बुलेट, बहुत साल हो गए लेकिन अभी तक इसको चेंज नहीं किया है। इसकी जो कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। चले एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के नए वी लोग में। दोस्तों आज है दिवाली और आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली। अभी है ना दिवाली एंजॉय करने के लिए आ गए हैं गांव पर और गांव से ही मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी देखो पीछे जो मकान दिख रहा है वो मेरे अंकल का है, पूरा नया बनाया हुआ है। 4-5 साल हो गए लेकिन अभी यहाँ पर कोई रहने नहीं आया है क्योंकि वो सब रहते हैं सूरत, और हमारा जो अभी रिसेंट वाला जहाँ पर हम रहते वो वाला मकान पीछे है। यहाँ पर रखा हुआ है हमारा ट्रैक्टर जिससे मेरे पापा खेती वगैरह करते हैं, और पीछे भी थोड़ा देखो ऐसे हरियाली जैसा है। वहाँ पर लिम्बूडी है और ये पूरा मकान अभी है ना नया ही है, यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, सिर्फ सामान थोड़ा बहुत रखा हुआ है। और यहाँ पर हम हमारा कपास भरते हैं, देखो अभी वो अगले साल का कपास थोड़ा है ना बच गया होगा ना, तो यहाँ पर इकट्ठा करके रखा हुआ है। पूरा खेत का कॉटन यहाँ पर ही हम स्टोर करते हैं और यहाँ से फिर बेच देते हैं। यहाँ पर अभी ना कोई रहता नहीं है तो फिर यहाँ पर सभी चीज़ें रखते हैं। यहाँ पर खेती का सामान भी रखा हुआ है, देखो इससे हम कपास बोते हैं और इससे हम दवाई छिड़कते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी दवाई वगैरह है। यह है लिम्बोड़ी, यहाँ से बहुत ही सारे लींबू हम है ना लेकर जाते हैं, देखो ज़बरदस्त है ना, इसमें रसीले लींबू नाते हैं। हमको है ना बाहर से पैसा देकर लेना ही नहीं पड़ते, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़े कच्चे पके फिर भी इसमें इतना रस निकलता है। बोलो अभी है ना ट्रैक्टर निकालने के लिए आया हूँ, ट्रैक्टर लेकर हम जाएंगे खेत पर। और तो ट्रैक्टर बाहर निकाल लिया है और जा रहे हैं खेत पर। और ये वाला मकान अभी हम यहाँ पर रहते हैं वो है, देखो अंदर से दिखेगा ये छोटा वाला गेट और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। देखो दिखाता हूँ अभी जहाँ पर रहते हैं ना वो वाला मकान, देखो पीछे यहाँ पर नाश्ता हो रहा है, अभी फाफड़ी खा रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ बन रहा है। ये है हमारा अभी वाला अभी का मकान जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर भी लिम्बूड़ी है। और अभी है ना हम डायरेक्ट जा रहे हैं खेत पर। ये घर से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, हम निकल के बाहर और यहाँ पर पीछे है हमारे माता जी का मंदिर जहाँ पर है ना 7 तारीख को हवन है, तो वो सब निपटा के उसके बाद ही हम जाएंगे जामनगर। भरा हुआ है अभी तक पूरे रास्ते पे, और वहां पर बन रहा है पानी का टंकी पंचायत वाला। ये है गांव की लाइफ भाई, कुछ बारिश की वजह से पूरे रोड पे पानी पानी भरा है अभी क्योंकि A few minutes later. अभी देखो आ गया वो खेत पर, और यहाँ पर दिखाओ पीछे ट्रैक्टर वो तो दिखेगा और वो तो आपने देख ही लिया है। यहाँ पर है हमारी वाड़ी जो पूरी पानी है ना पानी से अभी है ना पूरी वाड़ी भरी हुई है, दिखेगी ऊपर तक पानी भरा हुआ है इसमें। और अभी है ना खेत पर पानी जा रहा है यहाँ से, ये वो लाइन है जिसमें पानी आ रहा है यहाँ जैसे जाकर वहाँ पर है ना निकल रहा है। देखो मेरे पापा है ना वहाँ पर है, और कपास अच्छा है और थोड़ा खराब भी हो गया ऐसा लग रहा है क्योंकि बारिश इतनी हेवी हुई ना तो अभी पीला हो गया है। और ये मेरे साथ है मेरा गाइस, हम यहाँ पे कैसे पहुँचे वो तो हमको मालूम है, यहाँ रास्ता बहुत खाड़ा खाड़ा था। खाड़ा खाड़ा नहीं बहुत खराब था क्योंकि है ना पानी इतना जा रहा है पूरा रास्ते में, इतनी बारिश हुई हेवी कि अभी तक पानी वहाँ से ना जा ही रहा है क्योंकि वो जमीन जो है वो पानी अभी छोड़ रही है, वो तो पूरा रास्ते में आ रहा है। तो वहाँ पर उबड़ खाबड़ वाला रास्ता था, थोड़ी देर मेरे अंकल ने चलाया ट्रैक्टर और फिर उसके बाद फिर मैंने चलाया
और यहाँ तक पहुँचा दिया है सही सलामत। लेकिन यहाँ पे बहुत जोखिम था क्योंकि ट्रैक्टर मेरा भाई चला रहा था थोड़ी। जाओ जाओ देखो कपास देखो अभी अच्छा हो गया। जब पहली बार मैंने दिखाया था तभी इतना था, इतना इतना सा था देखो। और अभी ये थोड़ा बहुत ही है ना छोटा सा है देखो, यह यहाँ तक पहुँच रहा है, ये यहाँ तक पहुँच रहा है। तो बस यहाँ पर देखो ऐसा रुई निकलेगा अभी, यहाँ पर देखो निकलने भी लगा है। लेकिन ये अभी थोड़ा बहुत ही है, पूरा ऐसा वाइट वाइट हो जाएगा ना उसके बाद ये सब निकलेंगे। बारिश इतना हुआ ना तो ये सब बिखर गया था, ये वाला और ये जो फूल है ना सब नीचे गिर गया था। और इसमें ही सब होता है, पैसे इसमें ही बनते हैं, इसमें कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ घास फूस है, वो तो खाते हैं गैया, वो तो गाय को यहाँ पर रखेंगे तो वो भी खा जाएगी, तो उसका कुछ पैसा नहीं मिलता है। जो हमारी बुलेट, पापा की फेवरेट बुलेट है, बहुत साल हो गए लेकिन अभी तक इसको चेंज नहीं किया है क्योंकि उसको कोई ले नहीं रहा है, इसके लिए ले नहीं रहा है, ले नहीं रहा है ऐसा नहीं है। इसकी जो कीमत है 1.5 करोड़ रुपए कोई दे नहीं पा रहा है भाई। 1.5 करोड़ की इसकी ना अभी बोली लगी थी लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया कि भाई नहीं इसको बेचना ही नहीं है, 3 करोड़ भी आ जाए तो अभी नहीं बेचना, क्योंकि ये राम प्यारी है, राम प्यारी बुलेट है हमारी, राम प्यारी भाई। कैसी है देखो, बहुत साल हो गए इसको, अभी भी ऐसी ही है देखो, एकदम टिकड़ा टिक। सिर्फ गंदी हुई है क्योंकि ये यहाँ पर खेत पर आती है ना इसीलिए, अदरवाइज ये पूरी एकदम चमचमाती है। जो हमारे गांव में लेडीज होती है ना वो इस तरह से बांधती है, उसका जो मुंह है ना वो सूज ना जाए ना इसीलिए। लेकिन ये पता नहीं क्या है, अभी जो भी हो उन्होंने भी बांधा हुआ है। वहाँ से है ना यहाँ पर पानी आ रहा है देखो, और यहाँ से होकर है ना खेत में जा रहा है यहाँ पर। कपास है ना पूरा पीला हो गया है, पीला हो गया है, लगता है इसकी हल्दी लगी है। शादी होने वाली है क्या? शादी नहीं होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई ना तो उस वजह थोड़ा कपास में इफेक्ट हो गया, उसका जो फाल वगैरह वो नीचे गिर गया और अभी थोड़ा कपास जो है ना और राइट नाउ स्टेबल नहीं है। तो फिर अभी उसको स्टेबल करने के लिए पानी पिला रहे, पानी पी जाएगा। उसके पहले हमने दवाई भी छिट की थी कि जिस वजह से कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो बारिश की वजह से, अदरवाइज ये जो बोया है ना उसका भी पैसा बाहर नहीं निकलेगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वैसे तो फाल वगैरह पूरा है देखो, पूरा है ना ये छोड़ जो है उसमें भी कॉटन के जो है ना वो छोटे छोटे लगे हैं, तो उसमें कपास निकलेगा इसमें, लेकिन बिगड़ ना जाए तो अच्छा है। देखो यहाँ तक पानी पहुँच गया है, जो पिला रहे ना पानी ये जा रहा है देखो। जो पत्ते सूख गए ना वो सब नीचे जाते हैं, उसके बाद पानी के साथ पीछे चले जाते हैं देखो, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, थोड़े बहुत ही है वो पीछे चले गए सब। ये भी ना ऐसे ही मज़ा आता है। और हम भी पहले मैं जब लॉकडाउन था ना तभी खेती करता था, 1 साल मैंने पूरी खेती की है, कपास बोने से लेकर कपास को निकालने की पूरी प्रोसेस मैंने की है। और जो खेती होती है वो जॉब से और किसी भी बिजनेस से भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत वाली है। लेकिन अभी है ना इतनी बारिश होती है, इतना है पानी, हम कहीं पर है ना इतनी बारिश होती है ना कि फिर बस फसल है ना पूरी ख़राब होने लगती है। तो फिर खेती करने का है ना थोड़ा मन जो है वो होता है कि यार जो बोते हैं वो तो निकलता नहीं अच्छा, तो फिर क्या करें, क्योंकि ऊपर से जो पानी आता है इसको हम तो रोक नहीं सकते और ऊपर वाले को हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अभी कपास जो है थोड़ा थोड़ा है ना वो आने लगा है देखो इस टाइप का। तो कॉटन कलेक्ट करने के लिए किसी को आना हो यहाँ पर पूरे दिन तो आपको 150 रुपया देंगे, आना हो तो आ जाएगा। गुजराती में कहो तो कपास विनवा, हिंदी में कहो तो कॉटन कलेक्ट करने के लिए आ जाइए। कॉटन कलक तो हिंदी भी हो गया और इंग्लिश भी हो गया, तो चलो दोनों के साथ आप जो भी सोच रहा हो सोच लो। अगर किसी को आना हो तो फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर जो नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें आप है ना कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ हमको कॉटन कलक करने यानी कि कपास विणवा आवू छे, तो 150 रुपया दाढ़ी हमें देसु तमने, तो आवी सको छो। तो फटाफट कॉमेंट कर दियो कि कोने कपास विणवा यानी कि कॉटन कलेक्ट करने के लिए आना है पूरे दिन, खाना आपको घर से लेकर आना पड़ेगा, वो हम नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर वो प्रथा बंद है। तो खाना वगैरह आपको घर से ही लेकर आना है, तो किसी को कॉटन कलेक्ट करने आना हो तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। अभी पीछे वाले भाग पर आ गए, यहाँ पर रास्ता है पूरा बीच में जहाँ पर हम ट्रैक्टर लेकर आए थे वहाँ से,
दूसरे सामने जो है वो दूसरे का खेत है, ये वाला हमारा खेत है। यहाँ पर यहाँ तक पानी आता है, बस देखो पिला रहे ना पानी, यहाँ तक पहुँचना चाहिए क्योंकि आगे वाले पौधे को तो मिल जाएगा, पीछे क्या होगा, इसीलिए यहाँ तक पानी आना चाहिए और आ भी रहा है।